नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ी जुगाड़ चैनल में आपरो स्वागत है। मैं हूँ आपरो साथी रावताराम और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मारवाड़ी जुगाड़। दोस्तों आप में एक निवेदन है, जितना भी फ्रेंड हो मेरे दोस्तों, यूट्यूब देखो मेरो चैनल, वह बिना सदस्यते लिए देखो, जगह चैनल री सदस्यता ले एंड घंटी वालों बटन दबा दो तो मेरो चैनल मोनेटाइज हो जाए। सिर्फ थोड़ा ही सदस्य कम पड़े, इन वास्ते था हाथ जोड़ने रिक्वेस्ट है कि थे वीडियो रोज़ देखो और चैनल सब्सक्राइब नहीं क्यों है, सदस्यता नहीं लूड़ी है, जगह सदस्यता लेन घंटी वालों बटन दबा दियो। और अब यहाँ पे सिंहासन बत्तीसी में होना अगली कहानी, तो बारहवीं पुतली पद्मावती ने जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है कि एक दिन रात के समय राजा विक्रमादित्य महल की छत पर बैठे थे। मौसम बहुत सुहाना था, पूनम का चांद अपने यौवन पर था तथा सब कुछ इतना साफ साफ देख रहा था कि मानो दिन हो। प्रकृति की सुंदरता में राजा एकदम खो गए थे, सहसा वे सोक गए। किसी स्त्री के सीख की आवाज़ थी, सीख की दिशा का अनुमान लगाया, लगातार कोई औरत सीख रही थी, रो रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। उस स्त्री को विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए विक्रम ने ढाल तलवार संभाली और अस्तबल से घोड़ा निकाला। घोड़े पर सवार हो फौरन उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बचाओ बचाओ कहती हुई बेहताश भागी जा रही है और एक विकराल दानव उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है। विक्रम ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और घोड़े से कूद पड़े। युवक थी उनके शरणों पर गिरती हुई बसाने की विनती करने लगी। उसकी बाहें पकड़कर विक्रम ने उसे उठाया और उसे बैन संबोधित करते हुए डंडस बंधाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह राजा विक्रमादित्य है और आप उनकी शरणागत है और उनके रहते उस पर कोई आंस नहीं आ सकती, आपका कोई बाल भी बंका नहीं कर सकता। जब वे उसे दिलासा दे रहे थे तो राक्षस ने अटाश लगाया। उसने विक्रम को कहा कि उन जैसा एक साधारण मानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उन्हें वह कुछ क्षणों में पशु की भांति चीर फाड़ कर रख देगा। ऐसा बोलते हुए वह विक्रम की ओर लपका। विक्रम ने उसे चेतावनी देते हुए ललकारा। राक्षस ने उनकी चेतावनी का उपहास किया। उसे लग रहा था कि विक्रम को वह पल भर में मसल देगा। वह उनकी ओर बढ़ता रहा। विक्रम भी पूरे सावधान थे। वह ज्यों ही विक्रम को पकड़ने के लिए बढ़ा, विक्रमादित्य ने अपने को बचाकर उस पर तलवार से वार किया। राक्षस भी अत्यंत फुर्तीला था, उसने पैंतरा बदलकर खुद को बचा लिया और भिड़ गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। विक्रम ने इतनी फुर्ती और शत्रुता से युद्ध किया कि राक्षस थकान से सूर हो गया तथा शिथिल पड़ गया। विक्रम ने अवसर का पूरा लाभ उठाया तथा अपनी तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। विक्रम ने समझा राक्षस का अंत हो चुका है, मगर दूसरे ही पल उसका कटा सिर फिर अपनी जगह आ गया और राक्षस दोगुने उत्साह से उठकर लड़ने लगा। इसके अलावा एक और संशय हो गई कि जहाँ उसका रक्त गिरा था वहाँ एक और राक्षस पैदा हो गया। राजा विक्रमादित्य क्षण भर तो चकित हुए किंतु विचलित हुए बिना एक क्षण के साथ ही दोनों राक्षस का सामना करने लगे गए। रक्त से जन्मे राक्षस ने मौका देकर उन पर घूंसे का प्रहार किया तो उन्होंने पैंतरा बदलकर पहले वार में ही उसकी भुजाएं तथा दूसरे वार में उसकी टांगें काट डाली। राक्षस असह्य पीड़ा से इतना चिल्लाया कि पूरा वन गूंज गया। उसे दर्द से तड़पता देकर राक्षस का धैर्य जवाब दे गया और मौका पाकर वह सिर पर पैर रखकर भाग गया। चूंकि उसने पीठ दिखाई थी इसलिए विक्रम ने उसे मारना उचित नहीं समझा। उस राक्षस के भाग जाने के बाद विक्रम उस स्त्री के पास आए तो देखा कि वह भय के मारे कांप रही थी। उन्होंने उसे कहा कि उसे निश्चित हो जाना चाहिए और भय त्याग देना चाहिए क्योंकि दानव भाग चुका है। तो उन्होंने उसे अपने साथ महल चलने को कहा ताकि उसे उसके माँ बाप के साथ पास पहुँचा दिया जाए। उस स्त्री ने जवाब दिया कि खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि राक्षस मरा नहीं है, पर लौट कर आएगा और उसे ढूंढ कर फिर उसी स्थान पर ले जाएगा। जब विक्रम ने उसका परिचय जाना चाहा तो वह बोली कि वह एक सिंहुल द्वीप की रहने वाली है और एक ब्राह्मण की बेटी है। एक दिन वह तालाब में सखियों के साथ नहा रही थी तभी राक्षस ने उसे देख लिया और मोहित हो गया। वहीं से वह उसे उठाकर यहाँ ले आया
और वह अब उसे अपना पति मान लेने को कहता है। उसने सोच लिया कि अपने प्राण दे देगी मगर अपनी पतिव्रता नष्ट नहीं होने देगी। वह बोलते बोलते सिसकने लगी और उसका गला रुंध गया। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे राक्षस का वध करके उसकी समस्या का अंत कर देंगे और उन्होंने राक्षस के फिर से जीवित होने का राज पूछा। उस स्त्री ने जवाब दिया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी वास करती है जो उसे मरते ही उसके मुंह में अमृत डाल देती है और उसे फिर जीवित कर सकती है, मगर उसके रगत से पैदा होने वाले राक्षस को नहीं कर सकती, इसीलिए वह दूसरा राक्षस अपंग होकर दम तोड़ रहा है। यह सुनकर विक्रम ने कहा कि वे प्रण करते हैं कि जब तक उस राक्षस का वध किए बगैर अपने महल नहीं लौटेंगे, चाहे कितनी भी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जब उसे मोहिनी के बारे में पूछा तो स्त्री ने अभिज्ञता जताई। विक्रम एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे, तभी एक सिंह झाड़ियों में से निकलकर विक्रम पर झपटा। क्योंकि विक्रम पूरी तरह सौंकने नहीं थे, इसीलिए सिंह उसकी बाँह पर घाव लगाता हुआ चला गया। अब विक्रम भी पूरी तरह हमले के लिए तैयार हो गए। दूसरी बार जब सिंह उनकी ओर झपटा तो उन्होंने उसके पैरों को पकड़कर उसे पूरे जोर से हवा में उछाल दिया। सिंह बहुत दूर जाकर गिरा और क्रुद्ध होकर उसने गर्जना की। दूसरे ही पल सिंह ने भागने वाले राक्षस का रूप धर लिया। अब विक्रम की समझ में आ गया कि उसने सल से ही उन्हें हराना चाहे। वे लपककर राक्षस से भिड़ गए और दोनों में फिर भीषण युद्ध हुआ। जब राक्षस की सांस लड़ते लड़ते फूलने लगी तो विक्रम ने तलवार उसके पेट में घुसा दी। राक्षस धरती पर गिरकर दर्द से सीखने लगा। विक्रम ने उसके बाद तलवार से उसका पेट चीर दिया। पेट चीरते ही मोहिनी कूद कर बाहर आ गई और अमृत लेने दौड़ी। विक्रम ने अपने दोनों बैतालों का स्मरण किया और उन्हें मोहिनी को पकड़ने का आदेश दे दिया। अमृत न मिल जाने के कारण राक्षस तड़प कर मर गया। मोहिनी ने अपने बारे में बताया कि वह शिव की गणिका थी, जैसे किसी गलती की सजा के रूप में राक्षस की सेविका बना देना पड़ा। भगवान ने उसकी राक्षस की सेविका बना दी। तो मैं लौटकर विक्रम ने ब्राह्मण कन्या को उसके माता पिता को सौंप दिया और मोहिनी को खुद विधिवत रूप से विवाह कर लिया। तो ये कथा सुनने के बाद राजा भोज फिर अपने महल की ओर चल पड़े। और अगली पुतली कौन सी कथा सुनेंगे वह सुनेंगे अगले भाग में। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता देकर घंटी का बटन दबा दीजिए। अगर पहले से ही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार और खमा गणी।